नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया मिट्टी की परीक्षण की पूरी जानकारी, मिट्टी की जांच की पूरी रिपोर्ट लेकर आपके बीच में, और रिजल्ट भी आपको इसके वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। मशीन के द्वारा पूरी जांच की है और खेत में जाकर इसका मिट्टी लेकर आए हैं। तो किसे खेत से मिट्टी अगर आप लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं, वो भी जानकारी आपको वीडियो के शुरू में मिल जाएगी। और वीडियो के बीच में आपको मशीन के द्वारा मशीन किस प्रकार से मिट्टी की जाँच करती है वो भी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। और अंत में आपको यहाँ का रिजल्ट आपको जो आया है और किस प्रकार के किस खाद की कमी जो मशीन ने हमें बताई है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं आप सभी किसान भाइयों को कि आपको जानकारी से कुछ फायदा होगा। तो आप जानकारी के लिए, अगर आप मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहते हैं तो आप दुकान का एड्रेस भी मैंने आपको बताया है, तो वहां पर जाकर आप मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाइएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। मेरी जानकारी और सेवा अगर आप तक सही एवं सटीक अगर पहुँचती है और इससे अगर आपका फायदा होता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथी दोस्त लोग भी जान सकें कि मिट्टी का परीक्षण और उसकी पूरी विधि क्या है। चलिए आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा रिपोर्ट आप सभी किसान भाइयों के बीच में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी बताऊंगा कि मिट्टी परीक्षण के लिए अपने खेत से आप मिट्टी कैसे लें, जिससे कि आपको जानकारी मिलने में थोड़ी सुविधा हो और अच्छे से जानकारी आपकी खेत की निकल कर सामने आए। दोस्तों, जिस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से जानकारी देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने खेत पर एक निर्धारित जगह, जिससे कि आपको लगभग 3 से 4 एकड़ की ज़मीन होना चाहिए, उसके अंदर से ही आप 3 से 4 एकड़ से ज़्यादा नहीं, 3 से 4 एकड़ की ज़मीन में आपको इस प्रकार से इकट्ठा खोदना है। लगभग 5 जगह से आपको मिट्टी लेना है, चारों कोनों से और बीच में से, और लगभग खड्डे की जो गहराई होना चाहिए वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई होना चाहिए, जो आपने देखा होगा। और इस प्रकार से गड्ढे को पूरा खोदकर अंदर से उसकी मिट्टी लेना, ना कि साइड से। और आपको इसमें कुछ कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं, जिससे कि इस प्रकार से आपको मिट्टी लेना है। और ज़्यादा मिट्टी नहीं, हमें जो मिट्टी की ज़रूरत होती है वो लगभग होती हैं कि आपको जिस प्रकार से जानकारी मिली है हम आपको बता रहे हैं कि 500 ग्राम मिट्टी काफ़ी है इस उपयोग के लिए, जो हम आपको बता रहे हैं। जो आप देखिएगा, इस मिट्टी को पांचों जो आपने जगह ली है उन पांचों जगह से मिट्टी को एकत्रित करके आपको इसकी जानकारी के लिए आपको एक कपड़े या फिर पॉलीथीन के ऊपर इसको इकट्ठा करना है पाँचों अलग अलग जगह पर, जो आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह से इकट्ठी करके उसको इस प्रकार से मिलाइएगा कि जिससे कि पांचों जगह की मिट्टी का एक रूप हो जाए, एक जैसी हो जाए पांचों जगह की मिट्टी। ये आप देखिए इस प्रकार से जो मैंने कार्य किया है, ये देखिएगा पांचों जगह की अलग अलग मिट्टी है और पांचों जगह की मिट्टी को एक साथ में मिलाए हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और बड़ी जो मिट्टी है उसको आप अलग कीजिएगा, बारीक मिट्टी की ज़रूरत होती है तो सिर्फ बारीक मिट्टी रखिएगा। और अगर पूरी तरह से बारीक अगर मिट्टी ना हो, अगर थोड़ी बहुत उसकी अगर नमी हो तो उसको धूप में ना सुखाएँ, उसको मिट्टी को आप छाँव में सुखाएँ। जो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि मिट्टी को छाँव में सुखाएँ, ना कि धूप के अंदर। और इस प्रकार से जो मिट्टी तैयार हुई है, लेकिन इसमें भी बड़े कण हमें देखने को मिल रहे हैं जिसको हमने छन्नी की सहायता से छाना है। ये आप देखिएगा इस प्रकार से मिट्टी पूरी तरह से तैयार है और अब हम इसको मशीन के माध्यम से जांच करेंगे। तैयार करके पूरी जानकारी आपको बताई थी तो हम इसका परीक्षण करेंगे। और अगर आप इस प्रकार से परीक्षण करते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी कि आपके खेत में किस प्रकार की उर्वरक की कमी है और कौन सा खाद आपको देना चाहिए, जिसके लिए आपको पूरी जानकारी हमारे भैया आपको बताएंगे। शुभम जी शर्मा हमारे भाई आपको पूरी जानकारी, यहाँ की मिट्टी परीक्षण जो हम कर रहे हैं पूरी जानकारी किसने बताएंगे आपको। पूरी जानकारी लेने के लिए आपसे जुड़े रहिएगा, पूरे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। निवेदन रहेगा, वीडियो बड़ा जरूर बनेगा लेकिन आपको जानकारी पूरी प्रदान की जाएगी। दोस्तों चलो शुरू करते हैं मिट्टी परीक्षण की पूरी जानकारी। हेलो भैया, सबसे पहले हम मिट्टी के पीएच की जाँच करेंगे। फिर मिट्टी का पीएच मान लेने के लिए हम सबसे पहले मिट्टी के 5 ml मिट्टी हम लेंगे। इस प्रकार हम 5 ml मिट्टी लेंगे और इसमें 30 ml आसुत जल से घोलेंगे।
ये दोस्तों हमने 30 ml आसुत जल इसको लिया है और इसको जो मिट्टी हमने 5 ml ली थी उसके अंदर भिगोया है, आप देखेंगे पूरी तरह से हम कांच की रोड से अच्छे से मिला लेंगे। एक दो मिनट हम इसे इसको मिलाएंगे जिसको आसुत जल में मिट्टी अच्छे से मिल जाएगी। दोस्तों ये पूरी तरह से आसुत जल और मिट्टी पूरी तरह से घुल चुकी है जो कि आप देख पा रहे हो इस प्रकार से, जो कि इसकी प्रोसेस लगभग 2 मिनट की हमने ली है। अब आगे की प्रोसेस हम पूरी करेंगे, उसके बाद अपन मशीन पर पीएच को चेक करेंगे। पीएच के लिए अपन पीएच ओपन करेंगे मशीन पर और पीएच को इंटर करेंगे और स्टैंडर्ड 7.0 बताएगा। 7.0 में हम पीएच स्टैंडर्ड रोड को पहले अच्छे से साफ करेंगे। साफ करने के बाद हम इस रोड को स्टैंडर्ड 7.0 में डिप करेंगे और स्टैंडर्ड 7.0 को चेक करेंगे। अपन इंटर किया और ये वैल्यू एक शो कर रहा है, ये वैल्यू एक स्थिर होगी और फिर अपन इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये PS7 बता रहा है, PS7 की वैल्यू बता रहा है स्टैंडर्ड की। इसके बाद अपन इसको डाउन करेंगे फिर ये स्टैंडर्ड 4.0, अब 4.0 की वैल्यू लेंगे, फिर इसको रोड को निकालेंगे फिर वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम 4.0 वाले केमिकल में इसको डिप करेंगे। 4.0 या 9.0 कोई दोनों में से एक कोई से भी केमिकल में हम इसका स्टैंडर्ड 4.0 चेक कर सकते हैं। फिर अपन इसको चेक करने के लिए इंटर करेंगे, स्टैंडर्ड 4.0 की वैल्यू शो कर रहा है। एक मिनट रुकने के बाद ये वैल्यू एक स्थिर होगी, उसके बाद अपन इसको इंटर करेंगे। ये इंटर किया अपन ने, इंटर करने के बाद डाउन प्रेस करेंगे और सैंपल शो करेगा। सैंपल शो के लिए फिर अपन इसको इससे निकाल कर वॉश करेंगे। सारी क्रिया अपन वॉश कर ही करेंगे। फिर अपन सैंपल में इसको डिप करेंगे। जो मिट्टी का दोस्तों हमने तैयार किया था उसके अंदर इसको डिप किया है, ये आप देखेंगे पूरा मिट्टी का घोल जो हमने बनाया था उसके अंदर। यहाँ अपन सैंपल नंबर डालेंगे, ये हमारा सैंपल नंबर 5 है। ये पीएच मान इसका शो कर रहा है जो अपन ने मिट्टी में इसको रख रखी है रोड को घोल में। इसका पीएच मान 8.27 शो हो गया है, इस मिट्टी का पीएच मान 8.27 है। फिर अपन इसको इंटर करेंगे, मोर्टली अल्काल शो कर रहा है के सैंपल। इस प्रकार अपन अगले नेक्स्ट सैंपल को भी इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। करेंगे इसको डाउन करेंगे। तो दोस्तों अगली प्रोसेस हम करेंगे इसके लिए इसी सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका पूरा फुल फॉर्म है इसी सॉल्यूशन का, जो हम अगली बार इसका सेकंड ऑप्शन के लिए करने जा रहे हैं। इसी की जांच के लिए अपन हम पीएच के बाद डाउन एरो प्रेस करेंगे और ये इसी कंडक्टर बताएगा, इसको अपन इंटर करेंगे। ये स्टैंडर्ड
इसी स्टैंडर्ड में अपन इस रोड को पहले वॉश करेंगे, उसके बाद इसको इसी स्टैंडर्ड वाले होल में अच्छे से डीप करेंगे। उसको अच्छे से डीप करना होता है क्योंकि नीचे कोई बुलबुले ना हो। उसके बाद हम इसको इंटर करेंगे तो ये हमें स्टैंडर्ड इसी स्टैंडर्ड की वैल्यू शो करेगा। ये सिंपल आ गया। इसके बाद अपन इसको सिंपल वाले बॉल में डिप करेंगे। वॉश करने के बाद इसको सिंपल वाले बॉल में इस पर भी अच्छे से अपन डिप करेंगे इसको, फिर इंटर करेंगे, सिंपल नंबर्स डालेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर हम ये इसी वैल्यू शो करेगा। ये इसी वैल्यू बता रहा है 0.230। फिर अपन इसको इंटर करेंगे, ये इसी वैल्यू आ गई अपनी 0.227। दोस्तों ये हो गई है पूरी इसी सॉल्यूशन की पूरी प्रोसेस, जो कि सेकंड प्रोसेस थी ये मैंने आपको बताई है। अब तीसरी प्रोसेस हम करते हैं इसकी पूरी। दोस्तों अब अगली प्रोसेस के लिए हम तैयार हैं और ऑर्गेनिक कार्बन की जो टेस्टिंग होगी अगला प्रोसेस इसका होगा, जो हम पूरी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसकी ऑर्गेनिक कार्बन के लिए हम मिट्टी 0.4 ml मिट्टी अपन लेंगे। दोस्तों बिल्कुल आधा ml मिट्टी हमने ली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों हम अगली प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट करके आपको जानकारी प्रदान करेंगे, ऐसे तो वीडियो काफ़ी बड़ा बनता है जिसके लिए हम आपको शॉर्ट में जानकारी प्रदान करेंगे, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। इसमें हम 1 ml ओसीवन की मिलाएंगे, ऑर्गेनिक कार्बनिक लिक्विड को हम लेंगे इसके अंदर। 1 ml ओसीवन हम इस ग्लास में यूज करेंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको डालने में थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। दोस्तों इसके अंदर जो मिट्टी हमने ली थी 0.5 ml उसके अंदर OC1 जो आप देख रहे हैं और OC2 दोनों को मिला है, जो आपने देखा होगा इस प्रोसेस के अंदर, और थोड़ा धुएं टाइप में जो आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद एक ब्लैंक का गोल अपन रेडी करेंगे। इस ब्लैंक के गोल में अपन 11 बूंद अशुद्ध जल की यूज करेंगे। ये 1 ml लिया है OC1। इसमें भी हम ब्लैंक के गोल में OC2 भी यूज करेंगे। आधे घंटे के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद इसमें हम 47 ml अशुद्ध जल का मिलाकर इसको हम ऑर्गेनिक कार्बन की टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमने आधे घंटे का वेट किया है, इसके बाद में हम आगे की प्रोसेस पूरी करेंगे।
दोस्तों जिस प्रोसेस को हमने आधे घंटे के लिए रोक के रखा था, प्रोसेस पूरी हो चुकी है। ये ओसी का घोल जो हमने लिया था वो है, और ये मिट्टी का घोल, दोनों को आधे घंटे के बाद भी प्रोसेस हम तैयार कर रहे हैं, जो कि आप देखेंगे। भैया बताएंगे हमें, ये हम ओसी के घोल में जो आधे घंटे के लिए अपन ने 30 मिनट के लिए रखा था, उसमें अब हम ब्लेंक और मिट्टी के घोल में 43 ml अशुद्ध जल मिलाएंगे। ब्लैंक में हमने आपको जल को मिला है, ये मिट्टी वाले नमूने का अपन ने 47 ml हमने 47 ml आसु जल को मिलाया, और अब इसको हम फिल्टर पेपर पर लगाकर इसको छानेंगे। ये जो दोस्तों आप देख पाएंगे फिल्टर पेपर इसके अंदर हमने लगाया है, और मिट्टी को जो आधे घंटे के लिए प्रोसेस की थी उसको हम इसके अंदर डालकर छानेंगे इसको पूरा फिल्टर पेपर की सहायता से। इसको हमने छाना है, जो मिट्टी के कण फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए हैं और लिक्विड जो था वो पूरा नीचे चला गया है, जो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की। अब आगे की प्रोसेस के लिए हम पूरी तरह से तैयार होंगे। मशीन में इस केमिकल को टेस्टिंग करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन की, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट शो कर रहा है, इसको इंटर करेंगे, ओसी शो करेगा, अब ओसी को अपन इंटर करेंगे, ब्लैंक शो कर रहा है, अब ब्लैंक में हम ब्लैंक का घोल ऑर्गेनिक कार्बन में हम सबसे पहले ब्लैंक का टेस्टिंग करेंगे। ये हम ब्लैंक का घोल ले रहे हैं, इसको हम अच्छे से साफ करके फिर हम इसका टेस्टिंग करेंगे। ब्लैंक का घोल लिया, अब हम ब्लैंक को एंटर करेंगे। ये हम ब्लैंक की वैल्यू शो कर रहा है, हम इसे एक दो बार एंटर करके इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। हर बार अलग अलग वैल्यू जो आपको शो होती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार आखिरी एंडिंग में एक स्थाई वैल्यू शो होगी। ये हमारा ब्लैंक का हो गया, उसके बाद हम इसको तो सिंपल तैयार है पूरी तरह से, जो आप देख रहे हैं निकाल लेंगे, फिर हम इसको वॉश करके वॉश करने के बाद हम मिट्टी का नमूना जो हमने बनाया है। दोस्तों अब अगली प्रोसेस हम आपके लिए लाकर आए हैं फास्फोरस की, जो हम पूरी तरह से ये तैयार किया है उसकी जानकारी हम लेंगे भैया से, शुभम जी शर्मा हमें इसकी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट अपन फास्फोरस की जांच करेंगे। फास्फोरस के लिए अपन सबसे पहले फास्फोरस में अपन पीएचएक्स को रेडी करना होता है, पीएचएक्स बनाएंगे। पीएचएक्स बनाने के लिए अपन सबसे पहले एक पीएचएक्स की 5 ml वाली बोतल को लेंगे, उसको एक ड्रॉपिंग बोतल में लेंगे। ये पीएचएक्स की 5 ml वाली बोतल शीशी है, इसको 100 ml ड्रॉपिंग बोतल में अपन ने लिया है, और इसमें 100 ml अशुद्ध जल अपन मिलाएंगे। हम इसमें 100 ml
आसुत जल को मिलाया और इसे हम बंद करके टोपिंग बोतल को बंद करके अच्छी तरह इस आसुत जल को घोलेंगे। तो घोलने के बाद दो मिनट के लिए प्रोसेस करेंगे हम, इसके बाद में अगली प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये रेडी है PS6 जो आपने अभी देखा है। हम PS3 बनाएंगे। PS3 के लिए हम PS3 वाली एक CC 60 ml वाली ड्रॉपिंग बोतल में मिलाएंगे। तो 50 ml आसुत जल के साथ आसुत जल को PS3 में पूरी तरह से इसको घोलेंगे जो आप देख रहे हैं। ये प्रक्रिया हमने पूरे 2 मिनट तक पूरी की है, इसके बाद में अगली प्रोसेस क्यों हम आपको ले गई। दोस्तों ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी PS X और PS3 दोनों की प्रोसेस हमने अभी पूरी की है और हम लेंगे अब मिट्टी का परीक्षण करके हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे इसके लिए। अब मिट्टी का नमूना अपन रेडी करेंगे, इसके लिए हम 0.5 ml मिट्टी लेंगे। हमने ये 0.5 ml मिट्टी ली है फास्फोरस के लिए। और 12 ml PX लेंगे। ये 12 ml PHX लिया है। इसी प्रकार 12 ml PHX हम ब्लैंक के घोल में भी लेंगे। हमें ब्लैंक का घोल रेडी करना है साथ में। इस ब्लैंक के घोल के लिए हम 12 ml ब्लैंक के घोल के लिए PHX लिया। उसके बाद 0.3 ml अमन चारकोल, एक चारकोल होता है, एक चारकोल को हम 0.3 ml ब्लैंक के बोल में भी लेंगे। वो सिंपल वाले अपने मिट्टी वाले बोल में भी 0.3 ml। दोस्तों ये हमने 0.3 ml चारकोल को PX और पोटेशियम इसके साथ में हमने घोल किया है इसका पूरा, जो आप देख पा रहे हैं मिट्टी है 0.5 ml, तीनों को एक साथ में घोल लिया इसके अंदर जो हमने किया है। दोस्तों जो हमने ब्लैंक लिया था उसके अंदर भी हमने 0.3 चारकोल को मिक्स किया है और ये जो प्रोसेस आपने दी होगी PHX और 0.5 ml मिट्टी और 0.3 ml चारकोल को इसके अंदर यूज़ किया है जो मैंने आपको बताया है, ये दोनों प्रोसेस पूरी हुई। अब अगली प्रोसेस के लिए शुभम भाई के साथ हम तैयार होते हैं। हम इसको शेकर में रखने के लिए आधे घंटे तक शेकर में रखेंगे। शेकर मशीन में हम इस मशीन के अंदर जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसके अंदर हम आधे घंटे तक इसको रखेंगे, उसके बाद में ये पूरी प्रोसेस हमें जानकारी मिलेगी कि इसमें किस प्रकार का रिजल्ट निकल कर सामने आता है, ये जो आप देख पाएंगे।
दोस्तों जिस प्रोसेस को हमने ब्लैंक और मिट्टी का जो परीक्षण के लिए मशीन के ऊपर रखा था और आपने देखा होगा आधे घंटे की प्रोसेस इसकी हमने पूरी ली थी, तो आधे घंटे की प्रोसेस के बाद में मशीन जो है अपने आप बंद होती है। इसके अंदर जो टाइमिंग सिस्टम आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की टाइमिंग सिस्टम जो इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद में आधे घंटे के बाद में मशीन अपने आप बंद हो चुकी है। अब इसके आगे की प्रोसेस हम तैयार करते हैं। दोस्तों हम दोनों को इस फिल्टर पेपर की सहायता से इनको छानेंगे। तो सबसे पहले हमने फास्फोरस ब्लैंक का घोल लिया है जो कि फिल्टर पेपर की सहायता से हम छानेंगे इसको। ये हमने फास्फोरस ब्लैंक का घोल जो आधे घंटे के लिए शेकर में रखा था उसको हम छानेंगे, और ये हम मिट्टी का जो घोल है नमूना लिया था हमने शेकर में, वो भी हम फिल्टर पेपर में छान लेंगे जिससे हमको एक लिक्विड मिल जाएगा। जो दोनों प्रोसेस को हमने आधे घंटे के लिए इस मशीन के ऊपर शेकर के ऊपर जो रखा था, इसकी प्रोसेस हम इस फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर लिक्विड जो बचेगा उसकी प्रोसेस आगे के लिए हम इस मशीन के माध्यम से इसको चेक करेंगे। दोस्तों अब हम मिट्टी का परीक्षण इसके अंदर करेंगे, मशीन के अंदर जो आप देखेंगे उसी का जो परीक्षण किया था उसका रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब हम मिट्टी के परीक्षण के लिए जो लिक्विड बचा था उसका परीक्षण हम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक कार्बन का मिट्टी के सैंपल लिया अपन ने, पहले अपन ने ब्लैंक की जांच करी थी, अब अपन मिट्टी की जाँच कर रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन में। ये सैंपल शो कर रहा है, अब हम उसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सैंपल डालेंगे, सैंपल नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर अपन इंटर करेंगे, तो ये अपन को ओसी की वैल्यू शो कर रहा है। ये अपन प्रोसेस एक दो बार ये करेंगे, इंटर किया फिर अपन ने, ये अपन को लो शो कर रहा है ऑर्गेनिक कार्बन, इसमें लो है, ये लो बता दिया इसने। ये अपने ऑर्गेनिक कार्बन की सैंपल की जांच हो गई। ये पूरी प्रेस जो हमने की मिट्टी की जो लिक्विड हमने फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर जो लिया था उसकी पूरी प्रोसेस ये पूरी हो चुकी है। ये प्रोसेस पूरी है दोस्तों, अब अगली प्रोसेस की ओर हम चलते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हमने इन दोनों को फिल्टर के लिए रखा था उसका दोनों का लिक्विड इन दोनों के अंदर हमने रखा है और इसकी प्रोसेस हम आगे पूरी तरह से तैयार करेंगे शुभम भाई के साथ में। अब हम फास्फोरस का ब्लैंक का कलर डेवलप करेंगे, इसका तो कलर चेंज होगा जो आपकी आप देखेंगे। इसके लिए हम ब्लैंक के गोल के लिए हम 2 ml ब्लैंक का गोल लेंगे, मात्र 2 ml ब्लैंक का गोल लेंगे हम इसके अंदर। हमने लिया इसके बाद 5 ml 5 बूंद अपन pH 1 के इसमें ब्लैंक में लेंगे, तो पानी के लिए, और 2 ml pH 2 2 ml ही हम pH 2 ब्लैंक के गोल में। दोनों का तीनों का घोल हम तैयार कर रहे हैं, pH 1 pH 2 और pH 3 दोनों का एक ही प्रकार का घोल हम तैयार करेंगे जो कि आप देख पा रहे हैं। बोलते हैं
एक एम एल पी एस थ्री जो हम ग्लेन के बल में मिला, और 10 एम एल तक हम इसको आसुत जल में मिलाकर 10 एम एल निशान तक आसुत जल हम इसमें मिलाएंगे इस पर, और इसलिए रख देंगे इसको। हमने पूरी प्रोसेस को पीएच 1, पीएच 2 और पीएच 3 तीनों की प्रोसेस हम पूरी करके इसको 15 मिनट के लिए हमने इस प्रोसेस के अंदर रखा है इसको, जो कि आप देख पा रहे हैं। फास्फोरस के सैंपल का, मिट्टी के नमूने का सैंपल कलर डेवलप करेंगे, कलर चेंज करेंगे। इसके लिए हम 2 ml मिट्टी के नमूने का घोल लेंगे। जो मिट्टी के घोल को हमने फिल्टर की सहायता से छाना था उसको हम 2 ml लेंगे, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें 2 ml हमने मिट्टी का नमूना जो हमने बनाया था वो लिया है। उसके बाद हम इसमें 5 बूंद पीएच 1 की सेम प्रोसेस ब्लैंक वाली करेंगे। 2 ml इसके अंदर पीएच 2 लेंगे, 1 ml पीएच 3, 3 इसको भी मिट्टी को घोल की सहायता जो हमने लिया था फिल्टर की सहायता जो मिट्टी का लिक्विड हमने लिया था उसको पीएच 1 पीएच 2 जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इन तीनों का घोल इसके अंदर हमने लिया है, और इसे भी हम 10 ml निशान तक आसुत जल मिलाएंगे, हम इसे रखेंगे। ये भी प्रोसेस हम 15 मिनट के लिए इसकी पूरी करेंगे, जो कि हमने दोनों को रखा है। ये दोनों प्रोसेस 15 मिनट के लिए रख दी गई है, 15 मिनट वेट कीजिएगा। दोस्तों जो 15 मिनट के लिए हमने इनको रखा था अब प्रोसेस पूरी है, और इसको फास्फोरस की सैंपलिंग के लिए हम इस पर रखेंगे, और फास्फोरस की जांच के लिए हम फास्फोरस पर आएंगे और उस पर इंटर करेंगे। इंटर करने पर ये ब्लैंक शो हो रहा है, अब हम ब्लैंक का नमूना, हम ब्लैंक का जो नमूना हमने 15 मिनट के लिए वेट के लिए रखा था वो पूरी तरह से तैयार है, उसके अंदर हम रखेंगे पूरा ब्लैंक को, जिसका ये आप देख रहे हैं कलर चेंज हो चुका है। ये आप देख रहे हैं पूरी तरह से कलर चेंज है, और इस ब्लैंक को हम पूरी तरह से साफ करके इसको मशीन के अंदर डालेंगे, जिसके बाद में हमें वैल्यू शो करेगा। ब्लैंक को हम इंटर करेंगे, ये ब्लैंक की वैल्यू हमको शो कर रहा है 112.4। ये हम एक दो बार हम उसको इंटर करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू एक स्थिर वैल्यू आपको शो करेगा। 2 से 3 बार हम इस प्रोसेस को करेंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई है ब्लैंक की, हम इसको डाउन प्रेस करेंगे तो ये सैंपल आ गया, ये सैंपल तैयार। और सैंपल की जो हमने अब मिट्टी का जो बचा था उसको भी हम सैंपलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे और मशीन के अंदर इसको रखेंगे। इसका भी कलर चेंज है जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको भी हम पूरी तरह से जैसे पहले प्रोसेस की थी पूरी तरह से साफ करके मशीन के अंदर रखेंगे, उसमें सैंपलिंग की पूरी तरह जांच करेंगे किस प्रकार से सैंपलिंग हमें प्राप्त होता है, ये आप देखिएगा। सैंपल को रखकर हम सैंपलिंग का इंटर करेंगे, ये इंटर सैंपल नंबर शो कर रहा है, सैंपल नंबर हम 05, ये हमारा सैंपलिंग नंबर है, ये हमने इंटर करा, ये फास्फोरस का हमको वैल्यू शो हो रही है, फास्फोरस लो बता रहा है, फास्फोरस लो जो आपको शो हो देखने को मिल रहा है, ये फास्फोरस हमारा ये सैंपल टेस्ट हो चुका है, टेस्ट हो गया।
दोस्तों ये जो 14 टेस्ट सेट आपको सामने देखने को मिल रहे हैं, इन सभी की हमने पूरी फॉर्मेलिटीज जो आपने वीडियो के माध्यम से देखी है वो पूरी कर ली है। और अब हम चलते हैं इनके रिजल्ट की ओर, जो मिट्टी परीक्षण के बाद में जो रिजल्ट निकल के आया है और प्रिंट आउट हमारे शोभन जी शर्मा भाई इसका निकालेंगे, जो कि आप देखिएगा प्रिंटेड। एक एक चीज का जिस प्रकार से हमने सॉल्यूशन किया था और जो रिजल्ट निकला है वो सारा हमको इस पर्ची के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं। सीरियल नंबर हमने जो बताए थे आपको, पीएच मान भी आपको देखने को मिल रहा है 8.27, इसी सभी प्रकार के आपको सॉल्यूशन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ओसी ये इसका हमने टेस्टेड किया था, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन। एट आयरन भी बता रहा है इसमें, 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आयरन अपने को डालना रहेगा। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का अपन सभी के इसमें कम मैग्नीशियम है इस मिट्टी में, मैग्नीशियम ऐड करने का बता रहा है। कॉपर, कॉपर भी बहुत कम है इस मिट्टी में, वो भी ऐड करने का बता रहा है। वेट यानी कि गेहूँ अगर इसके अंदर हम बोते हैं, जिस जहाँ की मिट्टी हम लेके आए हैं तो उसके अंदर जो बोते हैं उसके अंदर का भी रेशो हम निकलेंगे, कितना आपको यूरिया, डीएपी, अन्य उपज का उसके अंदर डालना रहता है, खाद या अन्य कई जो हमने बताए हैं, कॉपर, कार्बन, जो मात्रा हमने ली थी सभी की वो आपको इसके, यह देखिएगा डीएपी जो 65.2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको देना रहता है। यूरिया, यूरिया की मात्रा आपको कितनी देनी है इसके अंदर, 120.2 किलो केजी प्रति एकड़। एमओपी की मात्रा है 33.3 किलो प्रति एकड़। इस प्रकार से अगर आप मिट्टी का संरक्षण करवाते हैं, इस प्रकार से आपको पूरा जिस प्रकार की, जिस चीज़ की आपको खेत में कमी है वो आपको देखने को मिलती है, उसका आप डालकर आपका पूरा कार्य कर सकते हैं। ये पर्ची पूरी निकलकर सामने जो आई है हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।